Assalamu alaikum class 3. Today I am here with my next video. Parents are our great vessel. First units we have completed and the next unit is parents are our great vessel. This is unit number 2. Walidain hamare liye ek bahut badi rehmat hote hain. Parents are a great blessing. My parents are the best parents in the world. He explains to his class fellows. मेरे वालदैन दुनिया के बेहतरीन वालदैन हैं। मीर ने किसको बताया ये सब कुछ अपने क्लास फेलोज को। They are sitting in the school canteen. वो सब कहाँ बैठे हुए थे? स्कूल कैंटीन में बैठे हुए थे। Why do you say that? Asked Ali. अली ने पूछा तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? They brought new shoes, a bag and new toys for me. वो मेरे लिए नए जूते, बैग और नए टॉयज लेकर आए। Meer is feeling so blessed. Meer अपने आप को बहुत blessed feel कर रहा था. All of Meer's class fellows asked him about his new toys. Meer के जितने भी class fellows थे वो उससे उसके new toys के बारे में पूछ रहे थे. Ali is quiet during the discussion. Ali इस सारी discussion के दरमियान में बिल्कुल खामोश था. What is the meaning of quiet? Quiet means खामोश. And discussion means बातचीत यानी सारी जो उनके दरमियान बात हो रही थी उस वक्त वो उसमें बिल्कुल चुप था खामोश था। Tabish notices that Ali is looking sad and he asks. Tabish ने notice किया कि Ali बिल्कुल sad दिखाई दे रहा है बिल्कुल उदास उदास सा unhappy सा दिख रहा है और वो क्यों ऐसे है? And he asks, don't you feel happy when your parents buy new things for you? तुम्हें खुशी नहीं महसूस होती जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए न्यू चीजें लेकर आते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। अली स्माइल्स एंड रिप्लाइज। अली मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, माय पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू बाय न्यू थिंग्स। मेरे पेरेंट्स नई चीजें खरीदने की अफोर्डिंग में नहीं है, वो मुझे नई चीजें खरीद के नहीं दे सकते, because they can't afford it. My father works hard for our family to provide for us. हमारे जो फादर हैं, हमारे जो वालिद साहब हैं, वो सारी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारी फैमिली को के लिए अर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। He guides us like a true friend. वो एक अच्छे दोस्त की तरह हमें गाइड करते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। माय मदर टीचेस एट अ स्कूल। मेरी अम्मी जो है वो स्कूल में टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाती हैं। शी डज द हाउस वर्क, वो घर के सारे काम भी करती हैं। शी ऑल्सो कुक्स डिलिशियस फूड्स, वो बहुत टेस्टी और यम्मी खाना भी बनाती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। Zia says joining the discussion. Zia ने discussion को join किया और उसने कहा exactly बिल्कुल सही। They provide us with clothes, food and basic needs. वो हमें कपड़े provide करते हैं, खाना और जिंदगी की जितनी basic necessities होती हैं, of course हमारे parents ही उनको पूरा करते हैं। They show us care, love and kindness. वो प्यार, मोहब्बत, तवज्जो और मेहरबानी हम पे शो करते हैं और हमारी हर चीज का हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। माय सिस्टर फजर हेल्प्स मी टू कंप्लीट माय होमवर्क। मेरी बहन फजर जो है वो मेरी बहुत हेल्प करती है मेरा होमवर्क कंप्लीट करने में। आई गो टू द पार्क विद हर एवरी इवनिंग। मैं उसके साथ हर शाम को पार्क में जाता हूँ। अली कंटिन्यूड, आई शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह that he has blessed me with a beautiful family. Ali ne apni baat jari rakhte hue kya kaha ki main Allah Taala ka bahut shukr guzar hu, Allah Taala ka shukr guzar hu ki usne mujhe itni khoobsurat family di hai, itne acche family se mujhe nawaza hai. He has blessed me with a beautiful family ki Allah Taala ne mujhe itni achhi family se nawaza hai. Our families are great blessings from Allah. हमारी फैमिलीज अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत है। ऑब्वियसली हमारे सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, दे ऑल आर द ग्रेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह एंड वी शुड थैंक्स अल्लाह फॉर ऑल दिस ब्लेसिंग्स। वी शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर देम। इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस।
ये अब हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे फराइज में शामिल होना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स के साथ प्यार मोहब्बत से, नरमी से, शाइस्तगी से और बहुत पोलाइट फुल एटीट्यूड के साथ उनसे बात करें और उनकी इज्जत करें, उनको रिस्पेक्ट दें। द बेल रिंग्स एंड द स्टूडेंट रिटर्न टू देयर क्लास। इसी डिस्कशन के दौरान क्या होता है, स्कूल की बेल बज जाती है और बच्चे जो होते हैं वो अपनी क्लास में चले जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, दिस वॉज यूनिट टू एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग एंड फर्दर कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस। But I want to ask you people about copies. As I already told you that you have to start your work in any previous copy, in any one old copy of English, but you people have not yet submitted your copies to me. Kindly complete your work, complete your comprehension exercises, question answers, words, meaning, title pages, and submit it to me. I will check it and return it to you. That's all for today's lecture, and you have seen that what is the moral lesson of this unit, that parents are a great blessing for us. We should respect our family, we should take care of our family. Parents shows their care, love and kindness to us. Now it's your homework to read the whole chapter again and again 3 times, sort out difficult readings in this unit. It would help you to solve your answers for the questions which we will discuss in my next video. Thank you.